Hi guys and welcome back to the channel. My name is Jeet और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी स्कूटी के डिस्क ब्रेक पैड्स को चेंज कर सकते हैं. और इस प्रोसेस को करने के लिए हमें सबसे पहले एक फ्लैटेड स्क्रू ड्राइवर, एक नीडल नोज प्लायर, एक 12 मिलीमीटर का सॉकेट, एक 10 मिलीमीटर का सॉकेट, एक रैचेट, एक्सटेंशन, एक 200 या 320 ग्रिड का सैंड पेपर, ब्रशेस, कुछ न्यूज पेपर्स और क्लीनिंग के लिए एक सॉल्यूशन की जरूरत पड़ेगी. मैंने बेसिकली पानी के अंदर 2-3 ड्रॉप्स डिश सोप की डालकर उसका एक क्लीनिंग सॉल्यूशन बनाया है. आप चाहे तो कोई और क्लीनिंग सॉल्यूशन काम में ले सकते हैं. एंड लास्टली हमें ब्रेक पैड्स की जरूरत पड़ेगी. और अगर आप स्पेसिफिकली जुपिटर के ब्रेक पैड्स चेंज कर रहे हैं तो इनकी प्राइस 285 रुपीज़ है ओरिजिनल TVS के ब्रेक पैड्स की. और इनका पार्ट नंबर है K632190. तो अभी इन ब्रेक पैड्स को स्कूटी में इंस्टॉल करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ हम काम करने वाले हैं उस पोर्शन के नीचे कुछ न्यूज़पेपर्स बिछा लेते हैं सो वी डोंट मेस अप एवरीथिंग. और उसके बाद 10 मिलीमीटर के सॉकेट की हेल्प से हमें ये बोल्ट खोलना है. और इस बोल्ट में एक लॉक वॉशर है और एक नॉर्मल वॉशर है सो कीप दैट इन माइंड. इनको सेफली रखें अदरवाइज ये खोने के चांसेस हैं और ये इजिली मिलेंगे भी नहीं. और उसके बाद 12 मिलीमीटर के सॉकेट की हेल्प से इन दोनों बोल्ट्स को खोलना है. That's one and that's two. उसके बाद कैलिपर को पीछे की साइड पुश करके डिस्प्लेट से अलग कर लेना है. और ब्रेक पैड्स को रिमूव करने के लिए हमें स्पिन को निकालना पड़ेगा जिसके लिए हमें इन क्लिप्स को निकालना पड़ेगा. तो नीडल नोज प्लायर की हेल्प से इन क्लिप्स को खींच के निकाल लें. That's one and that's two. उसके बाद इस स्पिन को स्लाइड करके निकालना है जस्ट लाइक दैट. और फिर जो अंदर की साइड का ब्रेक पैड है वो सिंपली निकल जाएगा लेकिन जो बाहर की साइड का ब्रेक पैड है उसको ऊपर की साइड उठा के इस डाउल से निकालना पड़ेगा. और ये दोनों ब्रेक पैड्स का कंपैरिजन है. ये नए वाले ब्रेक पैड्स हैं और ये पुराने वाले ब्रेक पैड्स हैं. एज यू कैन सी कि इनकी थिकनेस में कितना फर्क है. पुराने वाले ब्रेक पैड्स में ऑलमोस्ट ना के बराबर मटेरियल बचा है जबकि नए वाले ब्रेक पैड्स में बहुत ज्यादा मटेरियल है. और इस थिकनेस की वजह से ये ब्रेक पैड्स कैलिपर में फिट नहीं हो पाएंगे बिकॉज कैलिपर का जो पिस्टन है वो पुराने वाले ब्रेक पैड्स की थिकनेस के अकॉर्डिंग बाहर निकला हुआ है. तो हमें नए वाले ब्रेक पैड्स फिट करने के लिए पिस्टन को अंदर की साइड पुश करना पड़ेगा. लेकिन उससे पहले इस पिस्टन पर एज यू कैन सी काफी कचरा और ब्रेक डस्ट जमा हो गई है. अगर हम इस कंडीशन में इस पिस्टन को अंदर की साइड पुश करेंगे तो ये पिस्टन की अंदर की रबर सील्स को डैमेज कर सकता है जिसकी वजह से हमारा पूरा ब्रेक सिस्टम खराब हो सकता है एंड दैट कैन बी डेंजरस. तो सबसे पहले इस सारे पोर्शन को हम क्लीन कर लेते हैं. और इसको क्लीन करने के बाद आप इसको किसी रैग से पहुंच भी सकते हैं या फिर इसको सूखने के लिए छोड़ दें. लेकिन कभी भी कैलिपर को ब्रेक लाइन पर लटका कर न छोड़ें. या तो इसको नीचे से किसी चीज का सपोर्ट देकर उसके ऊपर रख दें या फिर बेस्ट चीज यही रहेगी कि आप इसको एक बार टेम्परेरी बोल्ट की हेल्प से इसके माउंट पर ही लगाकर छोड़ दें. एंड नाउ लेट्स क्लीन द डिस्प्लेट एज वेल. डिस्प्लेट को क्लीन करते टाइम डिस्प्लेट के होल्स पर ज्यादा फोकस करें बिकॉज सारा जो ब्रेक डस्ट होता है वो यहीं जमा होता है. और ये होल्स ब्रेक डस्ट को कलेक्ट करने में भी हेल्प करते हैं और दूसरी चीज ये डिस्प्लेट को कूल करने में हेल्प करते हैं. सो अगर ये ब्लॉक हो जाएंगे तो फिर ब्रेक डस्ट ब्रेक पैड्स पर ही स्टिक होने लग जाएगी और आपकी ब्रेकिंग एफिशिएंसी पर फर्क पड़ेगा. इसको प्रॉपरली क्लीन करने के बाद किसी साफ कपड़े की हेल्प से डिस्क ब्रेक को पोंछ दें. इस पर पानी ज्यादा देर तक नहीं टिकना चाहिए अदरवाइज इट विल स्टार्ट गेटिंग रस्टेड. इस पर रस्ट लगना शुरू हो जाएगी एंड दैट्स नॉट गुड. कपड़ा खराब नहीं होना चाहिए बिकॉज डिस्क प्लेट के ऊपर कोई भी चिकनाई या कोई भी ग्रीस जैसा मटेरियल लग गया तो वो सीधा ब्रेक पैड्स पर स्टिक होगा और फिर ब्रेकिंग एफिशिएंसी पर सीधा सीधा फर्क पड़ेगा. सो ये कुछ प्रिकॉशंस है जो आपको ध्यान में रखनी है. और डिस्क प्लेट को क्लीन करने के बाद अगर आपको कहीं भी कोई भी हल्का सा रस्टेड पार्ट दिखे जैसे कि इसके ऊपर की साइड हो रखा है वैसे यूज नहीं होता है. लेकिन ऐसे अगर रस्ट के डॉट्स आपको डिस्क प्लेट के ऊपर दिखें तो आपको 320 या 200 ग्रिट का सैंड पेपर लेना है और उसको हल्का सा रब कर देना है एंड दैट्स इट.
सैंडपेपर से ज़्यादा रब नहीं करना है, अदरवाइज वो डिस्प्लेट के अंदर ग्रूव्स बना देगा जिसकी वजह से ब्रेकिंग एफिशिएंसी पर फर्क पड़ेगा, सो कीप दैट इन माइंड। सो राइट गाइज, अभी क्लीनिंग का काम पूरा हो गया है, अभी हम पिस्टन को अंदर की साइड पुश कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ जो आपको चेक कर लेनी चाहिए वो ये कि एक गाइड पिन अच्छी तरीके से मूव कर रही हूँ। एक गाइड पिन ये है, एक गाइड पिन ये है। इनके मूवमेंट में अगर थोड़ी भी डिफिकल्टी हो रही है तो आपको इनको बाहर निकाल कर अच्छे से लुब्रिकेट करना पड़ेगा। लुब्रिकेशन के लिए आपको सिलिकन ग्रीस यूज़ करना है। अगर आप नॉर्मल ग्रीस यूज़ करेंगे तो वो इस रबर को डैमेज कर सकता है और उसके बाद ये मूवमेंट प्रॉपरली काम नहीं करेगा। एनीवेज, इनकी मेंटेनेंस के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनती है बिकॉज इनकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स कॉज होती हैं, तो उन सारी प्रॉब्लम्स को मैं मेंशन कर दूंगा, तो आपको उनमें से कोई भी प्रॉब्लम फेस हो तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जल्दी वो वीडियो भी आ जाएगी। और अभी हमें इस पिस्टन को अंदर की साइड पुश करना है, तो उसके लिए टूल्स भी आते हैं, बट आपको टूल्स की जरूरत नहीं है, आपको बस अपने पुराने वाले ब्रेक पैड्स चाहिए। पुराने वाले ब्रेक पैड्स को एक बार फिर से इंस्टॉल कर दें। देयर गोज द फर्स्ट वन एंड दैट्स द सेकंड वन। और उसके बाद एक बार के लिए गाइड पिन को लगा दें एंड देन इन दोनों पैड्स के बीच में फ्लैट हेड स्क्रू ड्राइवर को पुश करके इन दोनों के बीच अंदर की साइड पुश करें जिससे पिस्टन अंदर की साइड जाने लग जाएगा। एज यू कैन सी, there you go. Now just take out the guide pin and take out your old brake pads. And as you can see, piston पूरा अंदर की तरफ चला गया है. And just to show you कि आपको ये अपने नए पैड्स के साथ नहीं करना चाहिए because as you can see, पुराने पैड्स पर कितने ज़्यादा स्क्रैचेज आ गए हैं और एक साइड से इनका मटेरियल भी डैमेज हो गया है. सो दैट्स वाई आपको अपने पुराने ब्रेक पैड्स यूज़ करने चाहिए. और अभी नए वाले ब्रेक पैड्स इंस्टॉल करते हैं. और नए ब्रेक पैड्स को इंस्टॉल करने से पहले मैं हमेशा उनको 200 या 320 ग्रिट के सैंड पेपर से रब करता हूँ, जस्ट ए लाइट रब ऑन द फेस एंड देन उनको किसी क्लीन रैग की हेल्प से वाइप डाउन करना होता है। इससे कुछ ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ता, बट मुझे ऐसा लगता है कि ब्रेक पैड्स के ऊपर एक हल्की हल्की डस्ट की लेयर होती है जिसकी वजह से ब्रेक पैड्स को डिस्प्लेट पे बेड इन करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। और जब हम सैंड पेपर की हेल्प से हल्की हल्की उस परत को हटा देते हैं तो ब्रेक पैड जल्दी बेड इन हो जाते हैं। और बस मैं ये सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए करता हूँ, आपकी मर्जी हो तो आप भी कर सकते हैं, अदरवाइज मत कीजिए, नो प्रॉब्लम। और जहाँ जहाँ ब्रेक पैड्स कॉन्टैक्ट बनाते हैं जैसे कि 1, 2, 3 एंड 4, 4 पॉइंट्स तो हो गए इस ब्रेक पैड के, और 1, 2, 3 एंड 4 पॉइंट्स हो गए दूसरे ब्रेक पैड के, तो इन जगहों पर हल्का हल्का ग्रीस इतना होना चाहिए कि हाथ से फील हो लेकिन दिखे नहीं, बस उतना ही ग्रीस लगाएं ताकि ये थोड़ा लुब्रिकेट रहे। अगर ज़्यादा ग्रीस लगाएंगे तो फिर ये मिट्टी पकड़ेगा और वो इसको और बदतर बनाएगा। और अगर आप एक्स्ट्रा स्टेप लेना चाहते हैं तो फिर मार्केट में एंटी सीज मिलता है, आप वो खरीद के वो लगा दीजिए, मिट्टी नहीं पकड़ता है वो, दैट विल बी ए बेटर ऑप्शन, बट फिर वो महंगा होगा। तो उसकी जगह ये चीप ऑप्शन है कि आप नॉर्मल ग्रीस यूज़ कीजिए, बट हल्का हल्का लगाइए जिससे कि डस्ट मिनिमम हो एक्युमुलेट यहाँ पर। एंड इफ यू कैन बाय वन देन गो फॉर इट ब्लाइंडली। तो पहले हमें पिस्टन की साइड वाला पैड इंस्टॉल करना है। सो यहाँ पे आपको एक गाइड दिखेगी, इस पैड का ये पोर्शन उस गाइड के अंदर स्लाइड करना है एंड दैट्स इट। एंड देन उसके बाद दूसरा पैड इंस्टॉल करना है जिसका ये होल इस डाउल के अंदर फिट करना है, जस्ट लाइक दैट। एंड उसके बाद जस्ट गाइड को स्लाइड करना है। अगर पैड्स के होल गाइड के साथ मैच नहीं हो तो पैड्स को थोड़ा नीचे की साइड पुश करके गाइड को स्लाइड कर दें, एंड दूसरे पैड के साथ भी सेम ही चीज़ है, दैट्स इट। उसके बाद दोनों क्लिप्स लगानी है, तो ये पहली हो गई और ये दूसरी। और अभी गाइड वगैरह स्लाइड करते टाइम पैड्स के बीच गैप कम हो गया है तो पैड्स को जस्ट हल्का सा अंदर की साइड पुश करना है और इस वाले पैड को बाहर की साइड पुश करना है, इनके बीच डिस्प्लेट फिट हो जाए इतना गैप मेंटेन करना है, एंड देयर यू हैव इट। उसके बाद बस दोनों पैड्स के बीच इस गैप को मेंटेन रखते हुए इनको डिस्प्लेट में स्लाइड कर देना है। अगर ये गैप थोड़ा कम हो जाए तो फिर से आपको वो गैप प्रॉपरली अरेंज करना पड़ेगा, एंड देन ट्राई अगेन एंड देयर यू गो। और अभी बोल्ट्स लगाने हैं एंड देन जस्ट टाइट देम। और लास्ट में ब्रेक लाइन होल्डर का बोल्ट लगाना है। सो
सो दैट्स इट गाइज, कुछ इस तरह अपनी स्कूटी के ब्रेक पैड्स को चेंज कर सकते हैं। अभी पिस्टन को पूरा अंदर की साइड पुश कर दिया था, तो उसको इन ब्रेक पैड्स के साथ एडजस्ट होने के लिए आपको ब्रेक लीवर को 2-3 बार प्रेस करना पड़ेगा और फिर आपका ब्रेक लीवर नॉर्मली काम करने लगेगा। और नए ब्रेक पैड्स हैं तो इनको बेड इन होने में थोड़ा टाइम लगेगा, 5 से 6 किलोमीटर काफी होते हैं ब्रेक पैड्स को बेड इन होने के लिए, तो तब तक थोड़ी ब्रेकिंग एफिशिएंसी कमजोर हो सकती है, पर देन उसके बाद वो फिर से नॉर्मल हो जाएगी। सो ऑलराइट गाइस, दैट्स अबाउट द वीडियो। आई होप इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर दें, कोई भी क्वेश्चन या सजेशन है तो कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर ऐसी और वीडियोस देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय।